हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज माउथ प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर, या फिर बोल लीजिए सीक्वेले ऑफ वेयरिंग अ सीडी। तो हम सीडी तो दे देते हैं पेशेंट को, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमने अगर अच्छा डेंचर नहीं बनाया तो क्या होगा। तो आज हम बेसिकली सीक्वेले ऑफ वेयरिंग कंप्लीट डेंचर में हम लोग एक्चुअली सीक्वेले ऑफ वेयरिंग कंप्लीट डेंचर में क्या है कि हम लोग कैसा डेंचर पेशेंट को दे रहे हैं। यूजुअली इल फिटिंग डेंचर जो होता है हमारा, उससे हमारी बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम जो इल फिटिंग डेंचर दे रहे हैं, या फिर पेशेंट लूज डेंचर पहन रहा है, आके रीलाइनिंग नहीं करवा रहा है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। ठीक है, तो मैं हूं डॉक्टर संगीता, प्रोस्टोडोंटिस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेले ऑफ वेयरिंग कंप्लीट डेंचर। तो हमारे दो सीक्वेले हैं हमारे कंप्लीट डेंचर के। एक का होता है मेरा इल फिटिंग डेंचर है या फिर मेरा लूज डेंचर है ना, तो उसमें डायरेक्ट सीक्वेले हैं। ठीक है, और यानी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। डायरेक्ट इल फिटिंग डेंचर जो है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे माउथ को, ओरल टिश्यूज को, और एक है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट की बात अगर करते हैं तो डायरेक्ट में हमारे पास आता है सबसे पहला, ठीक है, जब आप देखते हो डेंचर में मुंह के अंदर हमारे ओरल टिश्यूज में क्या होते हैं, रेडनेस होती है। यूजुअली हम लोग देखते हैं बहुत रेडनेस मिलती है हमें, तो वो हमारा पहला क्या है, डेंचर स्टोमेटाइटिस बोल दीजिए। ठीक है, डेंचर की वजह से, स्टोमा मीन्स माउथ और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो डेंचर स्टोमेटाइटिस यानी डेंचर की वजह से मुंह की इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम है। एक हम बोल सकते हैं डेंचर स्टोमेटाइटिस, एक हम बोल सकते हैं डेंचर इंड्यूस्ड स्टोमेटाइटिस, डेंचर की वजह से जो है मुंह की इन्फ्लेमेशन हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं डेंचर सोर माउथ। क्यों मैं डेंचर सोर माउथ बोल रही हूँ, क्योंकि पेशेंट जो है ना पेन की कंप्लेन करता है, तो वो सोर माउथ पेनफुल डेंचर की वजह से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते थे इन्फ्लेमेटरी पैपिलरी हाइपरप्लेसिया, ये हमारा थर्ड स्टेज, जब हम लोग डेंचर स्टोमेटाइटिस पढ़ेंगे उसमें हमारा थर्ड स्टेज जो है वो हमारी इन्फ्लेमेटरी पैपिलरी हाइपरप्लेसिया ही है। बेसिकली पहले तो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद हमेशा टिश्यूज बड़े हो जाते हैं, है ना, तो वो हमारा है डेंचर इन्फ्लेमेटरी पैपिलरी हाइपरप्लेसिया। तो डेंचर स्टोमेटाइटिस के नाम हम और दोबारा डेंचर स्टोमेटाइटिस पढ़ेंगे अभी डिटेल में। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की, क्या और डायरेक्ट होता है, फ्लैबी रिज, फ्लैबी टिश्यूज, लूज टिश्यूज जो होते हैं हमारे। ठीक है, तो फ्लैबी रिज हमारा जो है वो मोबाइल टिश्यू होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। हाँ, और हम आगे वीडियो में बात करेंगे, हम आज सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास फ्लैबी टिश्यू का पेशेंट आता है, अगर पहले से डेंचर पहन रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर नया पेशेंट आ रहा है फ्लैबी टिश्यूज लेके तो हमारी कैसी प्रोसेसेस देंगे, कैसा हम डेंचर देंगे, कैसे हम टीथ सेटिंग करेंगे, कैसा हम इंप्रेशन लेंगे, कैसा हम जॉ रिलेशन रिकॉर्ड लेंगे, तो हर एक चीज हम लोग फ्लैबी टिश्यूज के अंदर कवर करेंगे। तीसरी हम लोग बात करते हैं बर्निंग माउथ की। बर्निंग माउथ को बर्निंग माउथ क्यों बोलते हैं, बर्निंग माउथ को बर्निंग माउथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुंह बर्न करता है। जैसे ही पेशेंट डेंचर मुंह में डालता है क्या करता है, पेशेंट के जो ओरल टिश्यूज है ना वो बर्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बर्निंग माउथ की भी बात करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस में हमारे पास है आर आर आर, जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन। तो रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन जो है वो आपको अगर बेटर अंडरस्टैंड करना है, हम रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन माउथ प्रिपरेशन में नहीं कवर करेंगे, सीक्वेले में इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन पे अलग से वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम बता चुके हैं कि रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन के, क्या क्लासिफिकेशन है एटवुड की, नील की, और हमारी भी ब्रेन मार्क की क्वालिटी और क्वांटिटी की बोन की, यानी बेसिकली रिज रिजॉर्ब होगी है, रिज रिजॉर्ब हो रही है दिन रात डेंचर पहनने की वजह से। तो हमारा जो सीक्वेले वेयरिंग कंप्लीट डेंचर्स है ना, सीक्वेले जो होता है वो यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि अगर दिन रात पेशेंट डेंचर पहन रहा है, हर केस में, हर एक ऑलमोस्ट हर एक केस में
अगर दिन रात डेंचर पहन रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। तो ऐसे ही रेजिडुअल रिज जो होती है हमारी, एक बार जैसे ही एक्सट्रैक्शन हुई वैसे ही हमारे रिज जो है रिजॉर्व होने स्टार्ट हो गया बहुत तेजी से। तो हमारी रिज कितनी तेजी से स्टार्ट हो रही है, तो हमने उस वीडियो में वो भी बात की कि कितना मिलीमीटर मैक्सिला में फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्सट्रैक्शन होता है और मैंडिबल में 4 से 5 मिलीमीटर होता है, 2 से 3 होता है मैक्सिला में। तो वो सब चीजें हमने कवर की। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन में हमने इंप्रेशन टेक्निक्स कवर की है वीडियो में। तो हमने 5 इंप्रेशन टेक्निक्स कवर की है। कौन सी स्पेशल इंप्रेशन टेक्निक है? यूजुअली हमारे पास जो डेंचर के केसेस आते हैं वो बहुत रिजॉर्ब्ड रिज के केसेस आते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे पास पेशेंट आया है, मैं अपना बीडीएस करके मैंने क्लिनिक खोला और मेरे पास आइडियल सीडी के केसेस होंगे, है ना। तो वो केस सिनारियो में हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेजिडुअल रिज रिजॉर्ब किस वजह से हो रही है, क्या क्या फैक्टर है, क्या इटियोलॉजी है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उसके, और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं कैसे ट्रीट करूंगी। तो हमने सर्जिकल नॉन सर्जिकल दोनों इंटरवेंशन की बात की है। उसके बाद हमने प्रोस्थेटिक कंसिडरेशन पे बहुत फोकस किया है कि हम डेंचर कैसे बनाएंगे अगर रिजॉर्ब रिज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे मुश्किल होता है एक रिज रिजॉर्ब रिज में हमारा इंप्रेशन लेना, तो कौन सी इंप्रेशन टेक्निक्स है जो हम फॉलो करेंगे रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन में, वो भी हम आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैगिंग की। देखिए, जब सिर्फ सीडी केसेस नहीं, बहुत सारे हमारे डेंचुलस केसेस भी होते हैं, नॉट ई डेंचुलस नहीं, डेंचुलस भी बहुत केसेस होते हैं, जिस केस में क्या करते हैं हम जैसे ही मैक्सिलरी इंप्रेशन लेते हैं, मोस्टली हम लोग को गैगिंग मैक्सिलरी इंप्रेशन में आता है, ठीक है, मैंडिबुलर में बहुत कम आता है। तो मैक्सिलरी जैसा ही हम लोग ट्रे डाल रहे हैं, पेशेंट उल्टी करने लगता है, गैग करने लगता है, पैनिक करने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक क्लिनिक में कि आप कैसे पेशेंट को इंप्रेशन ले कि पेशेंट पैनिक नहीं करे और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए आपके क्लिनिक से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग गैगिंग को भी पढ़े। गैगिंग एक नॉर्मल भी हम एक क्लिनिशियन को गैगिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो कैसे हमारा गैगिंग जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, गैगिंग में कौन सी टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं, क्या रीजन है पेशेंट गैग कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं गैगिंग में। हम लोग एक्यूपंचर भी पढ़ेंगे, मतलब गैगिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक डेंचर पहनने से ओरल कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद क्या है हमारे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज में ओरल कैंसर। अगर हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास है एट्रोफी ऑफ द मैस्टिकेटरी मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं उनका एट्रोफी हो जाता है। हाँ, एट्रोफी बोले तो हमारी मसल्स जो है वो कम हो जाती हैं, ठीक है, वो श्रिंक कर जाती हैं, वो यूज फंक्शनिंग उनकी उतनी नहीं होती है, ठीक है। और हमारा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है हमारे सीडी का, अगर मेरा डेंचर, अगर मेरा डेंचर प्रॉपर नहीं है, पेशेंट खा नहीं पा रहा है, अगर पेशेंट खा ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी ही होगी। तो हम लोग माउथ प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर या सीक्वेले ऑफ वेयरिंग अ कंप्लीट डेंचर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे सीक्वेले हैं। इनडायरेक्ट के अंदर डेंचर स्टोमेटाइटिस है, फ्लैबी रिज है, बर्निंग माउथ है, रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन है, गैगिंग है और ओरल कैंसर है, ठीक है, बर्निंग माउथ सिंड्रोम बीएमएस। हाँ, और इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हमारा एट्रोफी ऑफ मैस्टिकेटरी मसल्स है और हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक वन बाय वन डिटेल में हम लोग बात करेंगे डेंचर स्टोमेटाइटिस में, हम लोग क्या करते हैं, क्या हमारा ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, डेंचर स्टोमेटाइटिस देखते कैसे, कैसे पता चलेगा आपको कि पेशेंट को डेंचर स्टोमेटाइटिस आया है, ठीक है। तो डेंचर स्टोमेटाइटिस के बारे में बात करेंगे और ऐसा एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक की इन डेप्थ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो देखते रहिए डेंटल पाठशाला और प्लीज लाइक कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टे ट्यून्ड।